गुड इवनिंग एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कोफ्ती बिरयानी भी कहा जाता है, कोफ्ता बिरयानी। इसमें कीमे के बॉल्स, छोटे छोटे बॉल्स की ये बिरयानी होती है और बहुत ही लजीज, बहुत टेस्टी बिरयानी होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो ये गरम मसाला है, 3-4 तेज़पत्ता, और ये दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग, 4 इलायची और आधा चम्मच काली मिर्च, और इसके लिए 3 प्याज चाहिए मुझे, 1 कोटी लहसुन, और ये अदरक, और ये 2 टमाटर इसकी ज़रूरत है। और हमें ये गरम मसाला भी बनाना है, तो गरम मसाले में मैंने इलायची थोड़ी ज़्यादा ली है, जैसे 10 इलायची ले ली है, 4-5 लौंग ले ली है, लौंग कम डाली क्योंकि ये कड़वा हो जाता है, और काली मिर्च 2 से 3 चम्मच, और दालचीनी के 6-7 टुकड़े, और बड़ी इलायची 2-3, और इसमें आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़ीरा नहीं डाल रही क्योंकि मुझे ये बिरयानी बनानी है, तो इसमें ज़ीरा नहीं जा रहा है। और स्टानीज होता है, वो जो चक्रफूल होता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, मेरे पास थाली। और तेज़पत्ता भी डाल लीजिए तो और अच्छा ये गरम मसाला होता है। ये मैं अपने खुद अपने घर का तैयार किया हुआ गरम मसाला इसमें डालूंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्याज को छील लेंगे, और टमाटर और ये लहसुन वगैरह सब अच्छे से हम वो कर लेंगे, तैयार कर लेते हैं। और इसमें ये मैंने 1/2 किलो कीमा लिया है, इसको जो है वो मतलब अभी हम पीसेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने प्याज को बारीक काट लिया है, और ये लहसुन अदरक और टमाटर का ये हम पेस्ट बना लेंगे, मिक्सी जार में डाल दिया है। ये देखिए मेरा ये मसाला पिस गया है, और ये भी मेरा पिस गया गरम मसाला, और इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। मसाले को शिफ्ट कर लेंगे एक बोल में इसको शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक बोल में इसको शिफ्ट कर लिया मसाले को, और अब हम इस कीमे को इसमें डालेंगे मिक्सी जार में। कीमा है मेरा, इस मिक्सी जार में हम डालेंगे, और फिर इसको भी पीस लेंगे। बारीक पीसना है इसको भी अच्छे से। एक बोल में हमने कीमा पीस के निकाल लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाना है, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, बहुत ज़्यादा हम रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी वो उसमें डलेगा बिरयानी में मेरी थोड़ा, तो इसलिए इसमें नहीं डाल रहे हैं। और ये भुना हुआ बेसन मेरे पास रखा हुआ था, नहीं डाल रहे हैं। I'm
पास गरम ऑयल है, मैं इसमें डालूंगी। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर किया हुआ है, अब मैं इसमें ये कोफ्ते डालूंगी अपने। देखिए हमारी प्याज जो है हमने अभी डाली है, ये देखिए हमारी प्याज हो रही है फ्रेंड्स, तो इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स मेरी प्याज बस होने ही वाली है। अब मैं प्रेशर कुकर में, ये मेरा प्रेशर कुकर है, इसमें मैंने चावल जो है इसमें डाल दिया है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा चावल है बॉयल होने के लिए। अब मैं इसको अलग गैस पर रख देती हूँ चावल को, जब तक ये बॉयल होगा मेरी और तैयारियाँ हो जाएंगी। ये देखिए मैंने प्याज निकाल दी है, गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। अब इसमें जो मेरा पिसा हुआ मसाला है, गरम मसाला पहले मैं डालूंगी इसी कढ़ाई में, और फिर उसके बाद मेरा ये पिसा हुआ मसाला इसमें चला जाएगा। ऑयल ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि बिरयानी में चावल होता है, चावल में ऑयल, और मेरी 3 पाव चावल की बिरयानी है, तो इसलिए ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसी में मैं थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल दूँगी, और कुछ नहीं डालना है, बस आप रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए। कुछ टाइट ही बनाना है, वैसे तो मैं बहुत कम ही मिर्ची वर्ची का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। मैं काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं इसको खूब अच्छे से ये भून लूँगी, और जब तक कि मेरा इधर चावल तैयार हो रहा है, इसी गैस पर मेरा ये चावल रखा हुआ है, ये रेडी हो रहा है। ये बिरयानी जो है कोफ्ता बिरयानी मैं प्रेशर कुकर में ही बनाऊंगी, पहले मैं मसाला अलग से इसका तैयार कर लेती हूँ। Thank you.
भी नमक डाला है, मेरा चावल खौल रहा है, हमारा धीमी आंच पे पकेगा 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पे। जब तक हमारा चावल हो रहा है और मेरी कोफ्ते भी तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आप ये मेरे चावल हो गए हैं, 2 से 3 कनी तक मैंने इसको पका लिया है। मैं इसको छान लूंगी चावल को, चावल में ऐसे फोर करूँगी और इसमें थोड़ा सा ऐसे डाल दीजिए। और अब मैंने ये वाला फोर किया, अब उसके बाद मैं इसमें ये जो मेरा मैंने बिरयानी बनाया था प्याज जो तली थी वो मैंने इसमें डाल दिए थे, और थोड़ा सा इसमें मेरा गरम मसाला जाएगा तो मैंने ये तैयार किया था, फिर मेरा ये जो चावल है ये मैं पूरा ऐसे डाल दूंगी इसके अंदर, मैंने आधा रख के था, और मैं इसको डाल दूंगी इसके अंदर। डालूंगी और इसमें थोड़ा कलर जाएगा, ये मैंने कलर जो है फूड कलर जो होता है वो थोड़ा ले लिया है, ऑरेंज कलर का बिरयानी के लिए मस्त होता है ये। उसके बाद फिर ये जो है मेरा प्याज जाएगा और इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, बहुत सेम बहुत ही ज़्यादा सेम पैन जो है इसको आधा घंटा दम लगा लूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला मैं ऊपर से और डाल दूँगी, थोड़ा सा इसके ऊपर भी थोड़ा सा डाल देंगे तो अच्छी खुशबू और वो आ जाएगा कलर। और इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी जाएगा, केवड़ा वाटर तो आधा ढक्कन मैं डालूंगी इसमें, और इसमें 1-2 बूंद जो है वो मीठा इतर भी होता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी हार्ड स्मेल होती है तो उसके बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं, तो मैं सिर्फ केवड़ा वाटर ही डालूंगी आधा ढक्कन में, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, बिरयानी तैयार है। ये देखिए कितनी कलर
डिश आउट कर लेती हूँ। बस ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, आके जरूर ट्राई करिएगा पका के खा के। देखिए फ्रेंड, मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया है, कितनी टेस्टी लगी, देख के ही इतनी टेस्टी लगी है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। और उसके ऊपर मैं ये इससे गार्निश कर दूंगी इसको, ये जो मेरा वो है कोफ्ती जो मैंने बचा के रखी हुई थी, इससे मैं इसको गार्निश कर दूंगी अच्छे से। प्याज है उससे उसको भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। माउथ वाटरिंग डिश है ये, आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा इसको देख के। और इसके लिए मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और खा के बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत टेस्टी ये रेसिपी होती है, आप कोई भी कीमा ले ली, मटन का, चिकन का, चिकन का और मटन किसी भी उससे आप बना सकते हैं इसको। और इसके लिए मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, गुड नाइट, शुभ बख़ैर, धन्यवाद।